नमस्कार, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय की बीए भाग द्वितीय की भारतीय संगीत विषय की छात्राओं का इस ऑनलाइन व्याख्यान में स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है मूर्छना। मूर्छना को समझने की जो इसकी जो शास्त्रीय परिभाषाएं हैं और जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको समझाने से पहले मैं आपको इस बात में के ऊपर ज़रा सा समझाना चाहता हूँ कि मूर्छना की आवश्यकता क्या थी और मूर्छना का क्या प्रयोजन हुआ करता है। मूर्छना का उद्देश्य समझने के लिए सबसे पहले हम थाट को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बिलावल थाट का कोई राग बजा रहे हैं या गा रहे हैं तो हम सा रे, रे से ग, ग से म, म से प, प से ध और ध से नी, इन स्वरों को एक विशेष अंतराल में रखते हैं। और इसके अलावा यदि हम अपना राग कोई बिलावल के अतिरिक्त दूसरा गा रहे या बजा रहे हैं तो हमारे स्वरों का अंतराल वो नहीं रहेगा जो बिलावल के स्वरों का अंतराल है। अंतराल का मतलब स्वरों का आपसी अंतराल। जैसे जो रे और ग का अंतर बिलावल थाट में है वो रे और ग का अंतर काफी थाट में नहीं है। जो ग और म में अंतर बिलावल थाट में है वो ग और म में अंतर काफी थाट में नहीं है। वो ग और म का अंतर कल्याण थाट में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक राग या एक थाट से जब दूसरे थाट की ओर जाते हैं तो हमारे स्वरों का आपसी अंतराल बदल जाता है। आपसी अंतराल को बदलने का एक तरीका तो यह है कि हम सा को निश्चित रखते हुए सारे गामा पधनी सा बजाएं और जो भी कोमल या तीव्र स्वर हमें लगाना है उसका पर्दा उसकी जगह चेंज कर दें। जैसे हम अगर मान लीजिए बिलावल थाट के स्वर बजा रहे हैं तो शुद्ध गंधार का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम काफ़ी थाट के स्वर बजा रहे हैं तो हम कोमल ग और कोमल निषाद का प्रयोग करेंगे। तो एक तरीका तो अंतर को बदलने का, हम पर्दे की जगह बदल दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सा की जगह बदल दें, यानी जो हम पहले सा जिस स्वर को या जिस पर्दे को सा मान रहे थे उसकी बजाय अगर हम दूसरे पर्दे जैसे मान लीजिए निषाद को हम सा मान लेते हैं, नी अगर हमारा सा है शुद्ध नी, तो जो सा है वो एक तरह से कोमल रे हो गया और जो हमारा शुद्ध रे था वो कोमल ग हो गया और जो हमारा ग था वो म हो गया और जो हमारा म था वो अब हमारा तीव्र म हो गया। इस प्रकार से अगर हम स्वर जो मूल स्वर है सा उसकी स्थान को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास थाट को बदलने का एक और तरीका ये हमारे को प्राप्त होता है। तो जब राग गायन या जाति गायन का प्रचलन नहीं हुआ था और जो अचल स्वर या अचल थाट की जो प्रणाली है वो प्रकाश में नहीं आई थी, तब तक मूर्छना गायन का प्रचलन था। तो इसलिए मूर्छना का ऐतिहासिक महत्व है और आज के ज़माने में मूर्छना का कोई उतना अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि हम हमारा सा निश्चित कर दिया एक जगह, उसी के आधार पर हम सा को ही सा मान करके पर्दों की स्थान को बदल देते हैं। इसलिए मूर्छना गायन की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। तो अब हम मूर्छना की परिभाषा पढ़ते हैं। मूर्छना की परिभाषा शास्त्रों में इस प्रकार से दी गई है कि सप्तक के सातों स्वरों का क्रमयुक्त आरोह व अवरोह मूर्छना कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई भी ग्राम जैसे षड्ज ग्राम या मध्यम ग्राम में आरंभिक स्वर सा को मानते हैं
तो हमारी एक मूर्छना हो गई सारे गामा पाधा नी, और अगर हम सा की जगह नी का, नी को सा मान लेते हैं, नी को पहला स्वर आरंभिक स्वर मानते हैं, तो हमारी यह मूर्छना हो गई नी सा रे गा मा पा धा। यानी क्रम से उन्हीं सातों स्वर का उच्चारण करना है जिस क्रम में वो सप्तक में आते हैं। सारे गा मा पा धा नी एक मूर्छना हो गई, और नी सा रे गा मा पा धा ये दूसरी मूर्छना हो गई। इसी प्रकार से अगर ध से शुरू करेंगे तो ध नी सा रे गा मा पा यह एक और मूर्छना हो गई। तो अगर हम षड्ज ग्राम के स्वरों की सा से क्रम से आरोह अवरोह करें तो हमारे स्वर क्या होंगे, सारे गामा पधनी। अब सारे गामा पधनी जो स्वर हैं उनमें श्रुतियों का क्या क्रम है, 4-3-2-4-4-3-2। इसी प्रकार से अगर हम नी से शुरू कर देते हैं तो क्योंकि नी दो श्रुति का है तो हमारे प्रथम आरंभिक स्वर का श्रुतियाँ कितनी हो गई, दो। पहले आरंभिक स्वर की श्रुतियाँ कितनी थी, चार थी, और क्रम क्या था, 4-3-2-4-4-3-2। अब अगर नी से शुरू करेंगे तो हमारा स्वरों में श्रुतियों का क्रम होगा 2-4-3-2-4-4-3, 2-4-3-2-4-4-3। इसी प्रकार से षड्ज ग्राम की अगर हम ध को आरंभिक स्वर मान करके मूर्छना करते हैं, क्रम से आरोह अवरोह करते हैं, तो श्रुतियों का क्रम क्या हो जाएगा, क्योंकि ध की तीन है, नी की दो हैं, चार की सा की चार हैं, रे की तीन हैं, ग की दो हैं, म की चार हैं, प की चार हैं। ध से शुरू करेंगे तो हम प पे ख़त्म करेंगे, सा से शुरू करेंगे तो नी पे ख़त्म करेंगे, नी से शुरू करेंगे तो ध से ख़त्म करेंगे। तो अगर हम ध से शुरू करेंगे तो मूर्छना, उस मूर्छना में श्रुतियों में स्वरों का क्रम होगा 3-2-4-3-2-4-4, 3-2-4-3-2-4-4। इसी प्रकार से अगर हम षड्ज ग्राम में प से शुरू करते हैं मूर्छना को तो हमारा श्रुतियों का क्रम क्या हो जाएगा, प चार श्रुति का, ध तीन श्रुति का, नी दो श्रुति का, सा चार श्रुति का, रे तीन श्रुति का, और ग दो श्रुति का, क्योंकि म से शुरू किया है तो ग पे ख़त्म होगा। म प धनी सारे ग, म प धनी सारे ग, 4-4-3-2-4-3-2 यह श्रुतियों का क्रम होगा। तो किसी भी स्वर को आरंभिक स्वर मान करके उसके आगे के क्रम में सातों स्वरों को गाना या बजाना मूर्छना कहलाता है। अब मूर्छनाओं के प्रकार कितने बताए गए हैं, मूर्छना के प्रकार तीन तरह के बताए गए हैं। तीन तरह के कैसे बताए गए हैं, भरत के ज़माने में प्राचीन काल में हमारे विकृत स्वर कितने होते थे, केवल ग और नी दो ही विकृत स्वर होते थे। ग और नी दो विकृत स्वर होते थे, उनके नाम क्या थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। तो अगर इन सातों स्वरों में, षड्ज ग्राम के सातों स्वरों में गंधार को शुद्ध की बजाय अंतर्गंधार प्रयुक्त करें तो ऐसी मूर्छना सांतरा मूर्छनाएँ कहलाती थी। कौन सी मूर्छनाएँ कहलाती थी, सांतरा मूर्छना। भरत के समय में शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकली निषाद केवल दो ही विकृत स्वर थे, अतः जब शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को का प्रयोग करके जो सात मूर्छनाएँ करेंगे उनको सांतरा यानी अंतर्गंधार सहित सांतरा मूर्छनाएँ कहलाएंगी। तो इस प्रकार षड्ज ग्राम की शुद्ध मूर्छनाएँ कितनी हुई, सात, और सांतरा मूर्छनाएँ कितनी हो गई षड्ज ग्राम की, सात। इसी तरह से मध्यम ग्राम की शुद्ध मूर्छनाएँ कितनी हुई, सात, और मध्यम ग्राम की ही सांतरा मूर्छनाएँ कितनी हो गई, सात। यानी दोनों ग्रामों की मिला करके 14 शुद्ध और 14 सांतरा मूर्छनाएँ होगी। अगली मूर्छना होगी सकाकली मूर्छना। स
सकाकली मूर्छना का मतलब हुआ जो शुद्ध स्वर हैं षड्ज ग्राम के या मध्यम ग्राम के जो शुद्ध स्वर हैं उनमें से निषाद शुद्ध निषाद के स्थान पर हम अगर काकली निषाद का प्रयोग करें तो ऐसी मूर्छनाएँ सकाकली मूर्छनाएँ कहलाएंगी। सकाकली मूर्छनाएँ भी षड्ज ग्राम से सात हमें मिलती हैं और इसी तरह मध्यम ग्राम से भी सकाकली मूर्छनाएँ सात ही मिलती हैं। तो इस प्रकार 14 सकाकली मूर्छनाएँ यानी 14 शुद्ध मूर्छनाएँ दोनों ग्रामों से मिला करके 14 सकाकली मूर्छनाएँ और 14 शांतरा मूर्छनाएँ होती हैं। और तीसरी होती है साधारणीकृता मूर्छनाएँ। साधारणीकृता मूर्छना का मतलब हो गया कि शुद्ध स्वरों में से हम शांतरा मूर्छना हमने अंतर्गंधार लिया था शुद्ध गंधार की जगह, सकाकली मूर्छना में हमने शुद्ध निषाद की जगह काकली निषाद का प्रयोग किया था, और ये साधारणीकृता जो मूर्छनाएँ हैं उनमें हम दोनों ही गंधार और निषाद दोनों को ही विकृत कर देते हैं, यानी गंधार अंतर्गंधार प्रयोग होगा और निषाद काकली निषाद का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार ये भी 14 मूर्छनाएँ सात मध्यम ग्राम से मिलेंगी और सात ही षड्ज ग्राम से मिलेंगी। तो हमारे पास टोटल कुल मिला करके जो सातों स्वरों से युक्त मूर्छनाएँ हैं वो कितनी हो गई, 56 प्रकार की मूर्छनाएँ हो गई। ठीक है, अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मूर्छनाओं का आधुनिक काल में कोई भी कोई व्यावहारिक प्रयोग या प्रयोगात्मक उपयोग कोई भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम सा को निश्चित करके फिक्स करके और थाट पद्धति का प्रचलन है, इसलिए मूर्छना पद्धति का अब कोई प्रचलन है नहीं। मूर्छनाओं के प्रकार स्वरों के हिसाब से तो मैंने आपको तीन प्रकार बताए, सकाकली मूर्छनाएँ, शांतरा मूर्छनाएँ और साधारणीकृत मूर्छनाएँ। और भरत ने इनके नाम इस प्रकार बताए, लेकिन शारंगदेव ने इनके नाम बताए हैं, शुद्धा इसका मतलब जिसमें कोई भी स्वर विकृत ना हो, अंतर संहिता यानी जिसमें अंतर्गंधार हो, काकली संहिता यानी जिसमें अंतर्गंधार ना होकर के शुद्ध निषाद न होकर के काकली निषाद हो, और एक जो चौथी मूर्छना है वो अंतर काकली संहिता यानी जिसमें गंधार भी विकृत हो यानी अंतर गंधार हो और निषाद भी विकृत हो यानी काकली निषाद हो। तो इस प्रकार की मूर्छनाएँ 56 प्रकार की ऐसी मूर्छनाएँ जिनमें सभी सातों स्वरों का प्रयोग होता है। अब इसके अतिरिक्त और प्रकार मूर्छनाओं के आगे चलते हैं जिनमें हम पूर्णा शाड़वा और औड़विता यानी जिसमें पूर्णा यानी सातों स्वर होंगे, शाड़वा यानी जिसमें एक स्वर कोई भी वर्जित होगा और औड़विता जिसमें कोई भी दो स्वर वर्जित होंगे। तो ये बहुत लंबा क्योंकि विषय है, परंतु हमारे काम के सिर्फ षड्ज ग्राम की जो संपूर्ण मूर्छना है और मध्यम ग्राम की जो संपूर्ण मूर्छना है वही हमारे इस विषय की जो सीमा है उसमें हमारी ये ही आएंगी। तो मैं आपको षड्ज ग्राम की सातों मूर्छनाएँ और मध्यम ग्राम की सातों मूर्छनाओं के बारे में और बताता हूँ। षड्ज ग्राम की जो सात मूर्छनाएँ हैं वो उनके नाम भी बताए गए हैं, जैसे पहली है उत्तर मंद्रा। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो हमने जब ग्राम का अध्ययन किया था तो षड्ज ग्राम में स्वरों का क्रम मैंने आपको यह बताया था कि सा रे ग म सा रे ग म प ध नी, ये 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर पहला स्वर सा है जो उत्तर मंद्रा है उसमें पहला स्वर कौन सा है, सा, सा से शुरू करेंगे तो हमारी मूर्छना जो होगी उसमें श्रुतियों का क्रम क्या होगा, 4-3-2
4 4 3 2 4 4 3 2। पहला स्वर सा है, सा की चार हैं, रे की तीन है, ग की दो है, म की चार हैं, प की चार हैं, ध की तीन हैं और नी की दो हैं। दूसरी जो षड्जग्राम की मूर्छना है वो है रजनी। रजनी मूर्छना यानी जो निषाद से शुरू होगी। अब निषाद षड्जग्राम में कितनी श्रुतियों का है? 2 श्रुतियों का। अगला स्वर सा है वो 4 श्रुतियों का, फिर रे 3 श्रुतियों का, ग 2 श्रुति का, म 4 श्रुति का, प 4 श्रुति का, और क्योंकि नी से शुरू हुई थी इसलिए धैवत पे खत्म हो जाएगी, वो 3 श्रुतियों का है। इसी प्रकार अगली जो तीसरे नंबर की मूर्छना है वो उत्तरायता है। उत्तरायता में ध से शुरू होगी तो ध 3 श्रुतियों का है, प से खत्म होगी, प 4 श्रुतियों का है। तो इस मूर्छना में श्रुतियों का क्रम पहले स्वर से लेकर के सातवें स्वर तक क्या होगा? 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4। इस प्रकार अगर हम आगे चलें तो मत्सरीकृता जो हमारी पांचवें नंबर की मूर्छना है उसमें म से शुरू होगी तो म प ध नि सारे ग, ग पे ख़त्म होगी। म कितनी श्रुतियों का है? 4 श्रुति का। प कितनी श्रुतियों का है? 4 श्रुति का। ध कितनी श्रुतियों का है? 3 श्रुतियों का। नी कितनी श्रुतियों का है? 2 श्रुति का। सा 4 का, रे 2 का और ग 2 का, रे 3 का और ग 2 का। तो इसमें मत्सरीकृता मूर्छना में स्वरों में श्रुतियों का क्रम पहले से सातवें स्वर तक क्या होगा? 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2। छठे नंबर की जो षड्जग्राम की मूर्छना है वो है अश्वक्रांता। अश्वक्रांता ग से शुरू होगी इसलिए वो रे पे ख़त्म होगी। ग म प ध नि सा रे, तो पहला स्वर कौन सा होगा इसका? ग। ग की कितनी श्रुतियाँ हैं? 2। इसी प्रकार से इसकी इस अश्वक्रांता मूर्छना में श्रुतियों का क्रम होगा 2 4 4 3 2 4 3। सातवीं है अभिरुद्धगता। अभिरुद्धगता रे से शुरू होगी इसीलिए सा पे ख़त्म होगी, तो वहाँ पे श्रुतियों का क्रम क्या हो जाएगा? 3 2 4 4 3 2 4। ये आपकी षड्जग्राम की जो सातों मूर्छनाएँ संपूर्ण मूर्छनाएँ हुई। अगली हम लेते हैं मध्यम ग्राम की मूर्छना। मध्यम ग्राम की मूर्छनाएँ में मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्या क्रम होता है? आपने जब ग्राम पढ़ा था तो पढ़ा होगा 4 3 2 4 3 4 2। सा से शुरू करेंगे तो 4 3 2 4 3 4 2। अब क्योंकि मध्यम ग्राम है तो इसको इसकी मूर्छनाओं को मध्यम से शुरू करेंगे हम। पहली मूर्छना जो सौवरी नाम है उसका, वो मध्यम से शुरू होगी, ख़त्म कहाँ पे होगी? ग पे। म प ध नि सारे ग, क्योंकि ये मध्यम ग्राम की है तो इसकी श्रुतियों का क्रम थोड़ा भिन्न है, तो इसकी श्रुतियों का क्रम पहले से सातवें स्वर तक क्या है? 4 3 4 2 4 3 2। अगली है हरिणाश्वा, वो ग से शुरू होगी और रे पे ख़त्म होगी। श्रुतियों का क्रम होगा 2 4 3 4 2 4 3। अगली है कलोपंता, यह रे से शुरू होगी और सा पे ख़त्म होगी। रे ग म प ध नि सा, तो श्रुतियों का क्रम हो जाएगा 3 2 4 3 4 2 4। फिर है शुद्ध मध्यमा जो सा से शुरू होगी और नी पे ख़त्म होगी। षड्जग्राम के स्वरों का क्या श्रुतियों का क्या क्रम है? 4 3 2 4 3 4 2। ठीक है, मध्यम ग्राम के स्वरों का ये क्रम है। अगली है मार्गी, पांचवें नंबर की, यानी जो नी से शुरू होगी और ध पे ख़त्म होगी। नी पे शुरू होगी यानी
पहले स्वर की श्रुतियाँ कितनी होंगी? दो। फिर सा की चार होंगी, रे की तीन होंगी, ग की दो होंगी, म की चार होंगी, प की ध होगी, प की तीन होंगी और ध की वापस चार होंगी। छठे नंबर की है मध्यम ग्राम की मूर्छना, उसका नाम है पौरवी। पौरवी यानी ध से शुरू होगी और प पे ख़त्म होगी, और इसके जो पहले स्वर से सातवें स्वर तक श्रुतियों का क्रम इस प्रकार से होगा, चार दो चार तीन, दो चार तीन। ठीक है, अंतिम है ह्रस्य का, जो प से शुरू होगी और म पे ख़त्म होगी, प ध नि सा रे ग म, और श्रुतियों का क्रम होगा तीन चार दो चार तीन दो चार। इस प्रकार जो मूर्छनाएं हैं उनका क्या प्रयोजन था, क्या परिभाषा है और क्या प्रकार हैं, आज के इस व्याख्यान में हमने ये पढ़ा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो या कोई इसमें क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वेरीज़ को रेज़ कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का निदान व्हाट्सएप ग्रुप पे किया जाएगा। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।